हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आइए डिस्कस कर लेते हैं आज की न्यूज़। आज है 3 जुलाई, सो देख लेते हैं कौन सी न्यूज़ हमें डिस्कस करनी है। पहली न्यूज़ देखिए, कावेरी अथॉरिटी डायरेक्ट्स कर्नाटका टू रिलीज वाटर, राइट। तो कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उसकी पहली मीटिंग हुई, और पहली मीटिंग में इन्होंने कर्नाटका को ऑर्डर दिया है कि वो वाटर रिलीज़ करें तमिलनाडु को और अदर स्टेट्स को, राइट। और हमने कल डिस्कस किया था कि कर्नाटका जो गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया है ईसी अथॉरिटी, जो अभी हमने डिस्कस की कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ये, और इसके अलावा कावेरी वाटर रेगुलेशन जो कमेटी बनाई गई है इसके अगेंस्ट ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, राइट। और ये लोग इन डिमांड इनकी ये है कि चाहते हैं कि ये इशू जो है वो पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाए, ठीक है। तो अभी जो ये नया ऑर्डर आया है तो इसमें ये कहा गया है कि 34 TMCFT यानी कि 1000 मिलियन क्यूबिक फीट जो वाटर है वो बेंगलुरु ये रिलीज़ करेगा, राइट। और ये जो अथॉरिटी है इसके बारे में थोड़ा सा ये देखिए लिखा गया है कि जो अथॉरिटी है अभी भी इसमें फुल टाइम मेंबर नहीं है, लेकिन ये हर 10 दिनों पे इसको मिलने के लिए कहा गया है, राइट। शेड्यूल टू मीट एवरी 10 डेज ड्यूरिंग द मानसून मंथ, ठीक है। तो ये न्यूज़ थी। इसके अलावा कर्नाटका कन्वीन मीट, तो इन्होंने देखिए कर्नाटका वालों ने एक मीटिंग की। इसके अलावा AIDMK DMK ने एक क्लेम जो ये अथॉरिटी का जो ऑर्डर आया है तो उसकी क्रेडिट ये लोग ले रहे हैं, राइट। तो इशू हमारे लिए यही था कि ये कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी चूँकि देखिए काफ़ी न्यूज़ में है तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, कावेरी एज अ रिवर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने देखिए एक प्ली फाइल की गई थी कुडमकुलम जो प्रोजेक्ट है उसको बंद करने का, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है, राइट। और उन्होंने NPCIL है जो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है उनको एक्सटेंड कर दिया है उनकी टाइम 30 अप्रैल 2022 तक, ठीक है। टू बिल्ड एन अवे फ्रॉम रिएक्टर फैसिलिटी टू स्टोर स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल फ्रॉम द कुडमकुलम, ठीक है। तो इन्होंने इनको अलाउ कर दिया है इस अथॉरिटी को NPCIL को कि वो 30 अप्रैल 2022 तक ये अपना जो अवे फ्रॉम रिएक्टर फैसिलिटी का ये जो काम है वो कर सकते हैं, राइट। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं NPCIL के बारे में। तो देखिए न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ओन्ड कॉरपोरेशन है, राइट। मुंबई में ये बेस्ड है और महाराष्ट्र में, ठीक है। और इस पूरी तरीके से सेंट्रली गवर्नमेंट के द्वारा ये ओन की गई बॉडी है, राइट। और इसका काम क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल है न्यूक्लियर पावर और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, ठीक है। और ये एडमिनिस्टर्ड की जाती है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा, राइट। इसको बनाया गया था कंपनी एक्ट 1956 के तहत 1987 में, ठीक है। तो एज ए बॉडी ये NPCIL थोड़ा सा याद रखिएगा, राइट। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे मेंशन है वो ये है कि NPCIL ही पहले सोल बॉडी थी जो भी न्यूक्लियर पावर जो प्लांट्स होते हैं उनके कमर्शियल ऑपरेशन के लिए, राइट। लेकिन बाद में 2003 में अक्टूबर 2003 में एक बॉडी बनाई गई भाविनी, भाविनी का मतलब है भारतीय नाभिक विद्युत निगम, ठीक है ना। भाविनी ये भी एक गवर्नमेंट होल्ड एंटरप्राइज है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में ही आती है, राइट। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स का जो ऑपरेशन का काम है वो ये देखती है, ठीक है ना। तो भारतीय नाभिक विद्युत निगम, तो ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, याद रखिएगा इसको। इसके अलावा देखिए अब एक ट्रेंड चल रहा है मॉब लिंचिंग का, राइट। तो आपने न्यूज़ में देखा होगा अभी रिसेंट में कई सारी मॉब लिंचिंग हुई है, जैसे मई 2018 में तेलंगाना में एक हुई है, जून में असम में हुई है, जून में ही गुजरात में एक देखने को मिली, और मई में एक तमिलनाडु में इस तरीके की लिंचिंग देखने को मिली, राइट। तो इस पे रिजिजू जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स ये जो है किरण रिजिजू, तो इन्होंने ये कहा है कि ज़रूरत इस बात की है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई जाए, राइट। और तो ये एक तरीके से काफ़ी भीड़ तंत्र का जो ये माहौल है धीरे धीरे काफ़ी बढ़ता जा रहा है, राइट। तो इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इसके अलावा 2021 का जो सेंसस होगा, देखिए सेंसस जो होता है वो हर 10 साल पे होता है, तो पिछला सेंसस जो हुआ था 2011 में हुआ था, और अब जो अगला होगा 2021 में, तो ये कह रहे हैं कि अगला जो सेंसस होगा उसके जो डाटा होंगे वो इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड किए जाएंगे, ठीक है। तो 1951 यानी आज़ादी के बाद पहली बार ये इलेक्ट्रॉनिकली डाटा स्टोर करने की कवायद ये चलेगी, ठीक है। तो इन्होंने जो रूल है इनका उसमें अमेंडमेंट किया है, और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं वो ये सारा काम देखते हैं, राइट।
तो ये थी न्यूज़। इसके अलावा ये न्यूज़ देखिए, थाई के जो 12 लड़के मिसिंग थे थाईलैंड के, ये स्पोर्ट्समैन थे, राइट। तो ये लोग मिसिंग हो गए थे और इनको रेस्क्यू कर लिया गया है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके अलावा पंजाब का देखिए एक बहुत बड़ा इशू है, ड्रग्स एडिक्शन वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है, और ये बहुत बड़ा इशू वहाँ के इलेक्शन में भी रहा था। तो उसी को लेके इन्होंने डिमांड की है, पंजाब के लोग चाहते हैं कि इस पे डेथ पेनल्टी इस पे रिवार्ड की जाए, ठीक है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया है डेथ पेनल्टी फॉर ऑफेंडर्स टू द सेंटर, ठीक है। तो सेंटर से ये डिमांड कर रहे हैं कि इन लोगों को डेथ पेनल्टी दी जाए, ठीक है। ऐसे ऑफेंडर्स, ऐसे जो अपराधी हैं जो ड्रग कामों में लगे हुए हैं, ड्रग्स का बिजनेस करते हैं, तो ऐसे लोगों को डेथ पेनल्टी अवार्ड की जाए, राइट। इसके अलावा यहाँ पे कुछ है नहीं। ओडिशा कांग्रेस एमएलए रिमाइंड पीएम ऑफ हॉस्पिटल प्रॉमिस, ठीक है। तो ये देखिए, एनएचआरसी ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एनएचआरसी शुड एक्टिवली परस्यू मणिपुर इनकाउंटर, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने एनएचआरसी को डायरेक्ट किया है कि उन्हें इस केस में, इनकाउंटर का केस है, इसमें एनएचआरसी को एक्टिवली परस्यू करना चाहिए, राइट। तो एनएचआरसी एज ए बॉडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। तो एनएचआरसी देखिए एक ऑटोनॉमस बॉडी है, 12 अक्टूबर 1993 को ये बनाई गई थी अंडर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट ऑर्डिनेंस के तहत, ठीक है ना। तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के तहत ये बनाई गई थी एक ऑर्डिनेंस ला के, राइट। और इसका काम यही होता है बेसिकली, जो भी ह्यूमन राइट्स रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, और इसके अलावा राइट्स रिलेटेड टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी, डिग्निटी, इन सबको ये गारंटी करती है, इन सब की रक्षा करती है, राइट। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है, इसका जो एनएचआरसी जो होती है, इसका कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए, चेयरपर्सन जो होते हैं वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। इसके अलावा एक मेंबर जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज होने चाहिए, एक और मेंबर जो होंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होने चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर भी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, और दो मेंबर जो होंगे वो अपॉइंट किए जाएंगे जो कि अपनी ह्यूमन राइट की फील्ड में जिनकी नॉलेज होगी, राइट, और या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा वो लोग होंगे। इसके अलावा जो कुछ कमीशन्स जो हमारे हैं, जैसे नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन माइनॉरिटीज़, इनके जो चेयरपर्सन होते हैं वो इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है, राइट। ये देखिए, अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ है नहीं, गवर्नमेंट साइलेंट ऑन फार्म लोन वेवर, ये कर्नाटका से रिलेटेड न्यूज़ है, राइट। और ये देखिए, एक न्यूज़ थी, एसबीआई से मैसेज आया था, तो इस मैसेज को गलत तरीके से लिया गया, तो उसी से रिलेटेड न्यूज़ है। और उन लोगों ने समझा कि 1 करोड़ रुपये उनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, जबकि ये मैसेज था 1 करोड़ सीलिंग फॉर फ्रोजन अकाउंट, ठीक है। तो उसके बारे में ये न्यूज़ है। इसके अलावा ये देखिए, हर्डर्स जो है ये केरला के विलेजेस में ये काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये टस्कर्स जो हैं, हर्ड्स ऑफ टस्कर्स, राइट, मतलब इनका जो झुंड है हाथियों का। वो आगे बढ़ते हैं, और ये देखिए, एक स्वीट सप्लीमेंट फॉर एनीमिकल। तो एनीमिया एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हमारे इंडिया में, ख़ास तौर से गर्ल्स में ये देखने को मिलती है। तो इसके लिए जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो एक सेंटर का जो विज़न है, ये जो स्कीम है, उसके तहत बच्चियों को ये जो लड्डू है, स्पेशल लड्डू जो कि रागी, घी, जगरी और ड्राई फ्रूट्स और नट्स को मिला के बनाया गया है, तो इसको देने का, एज ए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट देने का प्लान कर रही है गवर्नमेंट, राइट। तो ये जो स्टेप लिया गया है, ये कह रहे हैं कि हैदराबाद पहली सिटी होगी इसको इम्प्लीमेंट करने वाली। एक्चुअली देखिए, ये स्टेप लिया क्यों गया, हुआ यूँ था कि एक डिसीज़न लिया गया था कि गर्ल्स स्टूडेंट जो है उनको जून इस साल जून में उनका चेकअप हुआ, राइट। उनका चेकअप जब किया गया तो उनमें पाया गया कि 24% जो गर्ल्स हैं वो एनीमिया से, सीवियर एनीमिया से वो पीड़ित है या सफ़र कर रही है, राइट। और उनमें जो हीमोग्लोबिन काउंट है वो 8 ग्राम पर डीएल से भी कम था, ठीक है ना, 8 ग्राम्स पर डेसीलीटर से भी
कम था। इसके अलावा 72% जो थी वो 72% ऑफ द अप्रॉक्सीमेटली 26,000 गर्ल्स इन गवर्नमेंट स्कूल वर फाउंड टू हैव हीमोग्लोबिन काउंट ऑफ लेस देन 10 ग्राम। ठीक है, तो 72% जो थी उनमें 10 ग्राम पर डेसीलीटर से भी कम पाया गया। राइट, तो इसी को लेके इन्होंने ये शुरुआत की है, एक अच्छी शुरुआत है। राइट, एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट दे के उनको एनीमिक गर्ल्स को उनकी एनीमिया को दूर करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा ये 5th बैच ऑफ पिलग्रिम जो अमरनाथ यात्रा है ये देखिए ये शुरू हो गई है फिर से। और देखिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने कहा है कि जो मई 22 और 23 को एक जो वायलेंस हुआ था जिसमें 13 जाने चली गई थी, तो उसमें इन्होंने कहा है कि इसकी क्यों ना सीबीआई जांच कराई जाए, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अगली न्यूज़, प्ली सीक सीबीआई प्रोब इनटू यूपी इनकाउंटर्स। तो ये भी देखिए इसमें एक प्ली फाइल की गई है, जो यूपी में इनकाउंटर्स हुए हैं, ढेर सारे इनकाउंटर्स हुए हैं, उनमें सीबीआई जाँच की मांग की जा रही है। राइट, और सुप्रीम कोर्ट इसमें स्टेट का रिस्पॉन्स जानना चाहती है। देखिए ये जो इनकाउंटर्स का एक दौर ही चला था शुरू में, और 1100 पुलिस इनकाउंटर्स हुए हैं जिसमें 49 पीपल किल्ड हुए हैं और 370 इंजर्ड हुए हैं। राइट, तो एक मास लेवल पे इनकाउंटर की शुरुआत वहाँ पे की गई थी, तो उसमें अब सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। इसके अलावा ये देखिए मानसून का जो मानसून की चूँकि शुरुआत हो चुकी है तो उसका यहाँ पे स्टेटस दिया गया है। राइट, तो इसमें देख सकते हैं आप, तो ये जो है ये 1 महीने का है स्टेटस। राइट, तो जून 1 से जुलाई 2 तक का है। तो इसमें ये जो रेड वाले हैं ये डेफिशिएंट वाले एरिया हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 20% से 59% के बीच बारिश हुई है। तो अगर यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, असम, अरुणाचल प्रदेश इन स्टेट को छोड़ दिया जाए तो बाकी स्टेट्स में देखिए बारिश एबव नॉर्मल हुई है। राइट, ये जो ग्रीन एरिया है ये नॉर्मल वाले हैं, तो ये मेजर एरिया यही है, नॉर्मल वाले ही हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो ब्लू में है ये एक्सेस वाले हैं, यानी कि 20% या मोर यहाँ पे बारिश हुई है। ठीक है, 20 मतलब एक्सेस है 20% या उससे ज़्यादा का। ठीक है, और ये जो अगर अमाउंट की बात की जाए तो एमएम में, तो ये देखिए 167.4 है ये एक्चुअल बारिश हुई है, जबकि नॉर्मल जो है 180.7 है, यानी कि -7%। ठीक है, -7% ये मतलब इतनी कमी है। ठीक है, तो ये है पूरी मानसून की सिचुएशन। ठीक है, तो कुल मिला जुला के अगर कुछ स्टेट को छोड़ दिया जाए तो अदर स्टेट में बारिश काफ़ी अच्छी हुई है। राइट, तो बारिंग फ्यू स्टेट्स मानसून हैज़ बीन वेल ऑन कोर्स। ठीक है, तो ये इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रूल्स में कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं। राइट, तो कुछ जो पावर्स हैं कस्टम्स के उनको रिवोक किया गया है, तो उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। राइट, जो दो रूल हैं, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंपोर्टेड गुड्स इन्फोर्समेंट रूल 2007, ये इसके अलावा फर्स्टली कह रहे हैं कि द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंपोर्टेड गुड इन्फोर्समेंट अमेंडमेंट रूल 2018 ओमिट्स ऑल रेफरेंस टू दी पेटेंट एक्ट 1970। राइट, तो थोड़े से इसमें चेंजेस किए गए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा वैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है नहीं। इसके अलावा पालगढ़ फिशरमैन हु रेस्क्यूड 12 एट सी विंस नेशनल अवार्ड। राइट, तो 12 लोगों की इसने जान बचाई और नेशनल अवार्ड इनको प्रोवाइड किया गया। और देखिए कोर्ट जानना चाहता है कि FCRA अमेंडमेंट पे गवर्नमेंट का रिस्पांस क्या है। राइट, तो FCRA आपको पता होगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, जिसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं हमारी वो बाहर से जो चंदा लेती हैं उसके बारे में ये है। ठीक है, तो इस पे क्या है कि तो देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया था कि इस पे एक अमेंडमेंट लाया था। राइट, तो FCRA के थ्रू क्या होता है कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो विदेशों से चंदा नहीं ले सकती, लेकिन इन्होंने इसमें एक अमेंडमेंट किया 2016 में, फाइनेंस एक्ट 2016 और फाइनेंस एक्ट 2018 के तहत। ठीक है ना, तो ये जो तो अमेंडमेंट करके इन्होंने इसको एज ए मनी बिल पास किया। राइट, और इसके अलावा इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इसको पास किया था 1976 के रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। राइट, तो इसी के खिलाफ ये प्रशांत भूषण वगैरह ने एक प्ली फाइल की है, और ये दोनों पार्टियां जो बीजेपी और कांग्रेस है जो दोनों ये इसकी गिल्टी हैं। राइट, क्योंकि ये दोनों बाहर से चंदा लेती हैं। राइट, तो ये गवर्नमेंट है, चूँकि गवर्नमेंट का इन दोनों पार्टियों का इसमें फ़ायदा है तो इसलिए इसके खिलाफ ये लोग कुछ नहीं करते। ठीक है,
इसके अलावा देखिए साइमल्टेनियस इलेक्शन से रिलेटेड लॉ कमीशन की मीटिंग हुई है, तो ये काफ़ी डिमांड है। बीजेपी गवर्नमेंट भी चाहती है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन लोकसभा और असेंबली के कराए जाए। इसके अलावा कोर्ट नोटिस ऑन वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन पैनल्स, राइट, तो इन्फॉर्मेशन पैनल जो है तो उसमें काफ़ी वैकेंसीज हैं, बहुत सारी, जैसे जो आपके सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन जो है, ये एक तरीके से इन कमियों से जूझ रहे हैं, राइट। स्टाफ की भारी कमी इसमें देखने को मिली है। जैसे अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो वहाँ पे 40,000 जो अपील्स और कंप्लेंट्स जो हैं वो अभी भी बैकलॉग में पड़ी हुई हैं, राइट। तो जब स्टाफ ही नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये पेंडिंग तो रहेगी। इसके अलावा केरला में भी 14,000 पेंडिंग ऑफ अपील एंड कंप्लेंट्स हैं, 33,000 कर्नाटका में हैं, और तेलंगाना में भी ऐसे ही 10,000 और 15,000 कंप्लेंट्स और अपील्स उसमें हैं, ठीक है, पेंडिंग है। इसी यही हालात बंगाल की भी है, राइट। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये जो वैकेंसीज़ हैं, हमारे राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक्ट है, RTI है, उसका जो इंटेंशन था, राइट, उसके जो एस्पिरेशन है, उसको एक तरीके से ये फुलफिल करने में ये एक तरीके से मदद नहीं कर पा रही है, राइट। मदद क्या नहीं कर पा रही है, एक तरीके से उसका जो वेरी पर्पस था उसमें ये पूरी तरीके से फेल्ड है, राइट। इसके अलावा एनआरसी जो है, एनआरसी ब्रीथर लिखा हुआ है, तो कोर्ट ने इनको एनआरसी को पब्लिश करने की जो डेट थी उसको 1 महीने एक्सटेंड कर दिया है, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंडेड जून 30 डेडलाइन फॉर पब्लिकेशन ऑफ फाइनल ड्राफ्ट ऑफ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन फॉर द असम बाई मंथ, ठीक है। तो चूंकि सिटीजन के रजिस्ट्रेशन का काम वहाँ पे चल रहा था असम में, राइट, तो उसमें चूंकि देखिए इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके नाम नहीं है, तो एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हो सकती है, लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे ख़राब हो सकता है, इसीलिए थोड़ा सा वहाँ पे ये कॉशस होकर ये कदम लिया जा रहा है, ठीक है। 1 महीने फ़िलहाल डेट इसमें बढ़ा दी गई है इसको, इसके पब्लिकेशन के लिए। इसके अलावा इंटरपोल की मदद दी जा रही है, और इंटरपोल ने रेड नोटिस जारी किया है नीरव मोदी के ख़िलाफ़। तो यहाँ पे देखिए रेड नोटिस के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, तो रेड नोटिस क्या होती है और इसका मकसद क्या होता है। रेड नोटिस कह रहे हैं एक रिक्वेस्ट होती है टू लोकेट एंड प्रोविजनली अरेस्ट एंड इंडिविजुअल पेंडिंग एक्सट्राडिशन, इट इज़ नॉट एन इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट, ठीक है। तो रेड नोटिस जो होती है वो यही होती है कि एक रिक्वेस्ट की जाती है कि आप लोकेट करें और अरेस्ट करें किसी भी इंडिविजुअल को जिनको जिनके खिलाफ एक्सट्राडिशन पेंडिंग है, राइट। इसके अलावा भी और सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है यहाँ पे, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर देखिए पूछा ये क्वेश्चन है कि वाई इज़ रेड नोटिस इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है, तो कह रहे हैं कि इट गिव्स हाई इंटरनेशनल विजिबिलिटी टू केसेस, ठीक है। इसके अलावा क्रिमिनल्स एंड सस्पेक्ट्स आर फ्लैग टू बॉर्डर ऑफिशियल्स मेकिंग ट्रैवल डिफिकल्ट, ठीक है। तो बॉर्डर ऑफिशियल जो होते हैं उनको एक तरीके से इन्फॉर्म कर दिया जाता है, तो इनका ट्रैवल थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कंट्रीज़ कैन रिक्वेस्ट एंड शेयर क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन लिंक टू एनी इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो होती है वो कंट्री शेयर करती है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट 6 स्टेप्स फॉर अपॉइंटिंग लोकपाल, राइट। तो लोकपाल का भी देखिए इशू बहुत पुराना है और बहुत ही इस पर भी गवर्नमेंट काफ़ी इनएक्टिव है, राइट। तो सेंटर टोल्ड टू फाइल एन एफिडेविट इन 10 डेज, नेक्स्ट हियरिंग 17 जुलाई को होगी, ठीक है। 10 दिनों के भीतर सेंटर से इन्होंने कहा है कि आप एफिडेविट फाइल कीजिए। तो ये सारे जो इशू जो है जिनको जल्दी निपटाना चाहिए, ये सारे पेंडिंग में पड़े हुए हैं, ठीक है। तो लोकपाल का एक पूरी एक मूवमेंट चली थी लोकपाल पे, लेकिन आज भी वो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। इसके अलावा मैक्सिको के ये देखिए प्रेसिडेंट बन गए हैं एंड्रे मैनुअल लोपेज ऑब्रेडर, ठीक है। तो इन्होंने 53.8% इन्होंने वोट शेयर किए, राइट। इनके जो कंटेंडर थे रिकार्डो अनाया वो 22.8% पे थे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग PMI जो है ये रहा आपका परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स, इसको कहा जाता है, ये 53.1% से रहा, तो ये काफ़ी बढ़ा है दिसंबर के बाद से, कह रहे ये हाईएस्ट है, राइट। तो परचेसिंग ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर इंडेक्स जो है ये शो करता है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जो है उसका स्टेटस क्या है, राइट। तो उसका हेल्थ स्टेटस जो है ये शो करता है, मेजर करता है। इसके अलावा ये स्पोर्ट्स है और आगे कुछ खास न्यूज़ नहीं है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।